वेलकम है ब्लॉगटेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक वर्डप्रेस का सीरीज से शुरू किया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक वर्डप्रेस का सीरीज बनाया है जिनको मैं वन बाय वन अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप वर्डप्रेस के ए टू जेड आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम कस्टमाइज करें, कैसे डैशबोर्ड मैनेज करें, कैसे सेटअप करें, इन सी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को इस सीरीज को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के इस सीरीज पे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो क्या क्या सीखने को मिलेगा यही मैं बता देना चाहता हूँ। कि पहले तो आप लोगों को मैं लोकल सर्वर पे कैसे आप लोग काम करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वो मैं बताऊंगा। पहला तो होगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल वेब। वेब एक लोकल सर्वर है जहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर, आप लोगों के खुद के कंप्यूटर को ही सर्वर बनाकर वेब सर्वर पे आप लोग आपका जो वेबसाइट है वो मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली आता है कि डाउनलोड वर्डप्रेस एंड सेटअप। सेकेंडली मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, वो भी wordpress.org को कैसे आप डाउनलोड करेंगे और उसको लोकल डायरेक्टरी में सेटअप करेंगे, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सेकेंड स्टेप पर। और थर्ड पे आता है कि इंट्रोडक्शन टू डैशबोर्ड। आप लोग डैशबोर्ड को कैसे मैनेज करेंगे, डैशबोर्ड में मतलब एडमिन पैनल। एडमिन पैनल को आप लोग आपका जो पोस्ट होता है, आपका जो कमेंट सेक्शन होता है वो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे उसको आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप डैशबोर्ड को कैसे मैनेज करेंगे आप लोग को मैं थर्ड स्टेप पर ये बताऊंगा। और फोर्थ स्टेप पे आता है आप लोग कैसे पोस्ट लिख सकते हैं और पोस्ट को पोस्ट का हेडिंग कैसे देंगे और पोस्ट के साथ साथ आप लोग पेजेस आपका हो गया विकेट्स, यूजर कमेंट्स, आप लोग कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, आप लोग मीडिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं, टूल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको फोर्थ स्टेप में बताऊंगा। और लास्ट स्टेप में मैंने सोच रखा है कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा जिसपे होगा कि फर्स्ट तो होम पेज और उसका साथ में ड्रॉप डाउन मेनू भी होगा और उसके साथ आप लोगों को साइड बार कैसे मैनेज किया जाता है और साइड बार के साथ आप लोगों को इमेज स्लाइडर कैसे लगाएंगे अपने वेबसाइट पे वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ फेसबुक का लाइक बॉक्स और कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, डिस्क्लेमर पेज आप लोग ये कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने लोकल सर्वर पे, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज में बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये पूरा सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जाकर मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।